जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। आई वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन दैट द आइडियोलॉजी ऑफ लेनिन वाज डिफरेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लेनिन की आइडियोलॉजी बाकी से अलग है। वी हैव सीन दैट हाउ डिड द रूट ऑफ सोशलिज्म बिकम स्ट्रांग इन रशिया डे बाय डे। कैसे सोशलिज्म की जड़ें गहरी बैठती जाती हैं रशिया में। There were parties in spite of restrictions, but how had these parties faced splits among them? We will discuss this in this part of video. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बोल्शेविक और मेंशेविक्स के बारे में। ये बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स क्या हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि रशिया में पार्टीज किसी भी तरीके का पार्टी का फॉर्मेशन करना बैन था, रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन फिर भी सीक्रेटली वहाँ पर पार्टीज बन चुकी थी। जैसे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वर्कर्स की, ठीक है, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी पीजेंट्स की, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ये पार्टीज, इन पार्टीज़ के अलावा और भी थी, लेकिन मेन प्रोमिनेंट यही थी। और इन पार्टीज में भी कैसे स्प्लिट होता है आगे जा कर के, यही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बात आती है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। देखिए कैसे दो पार्ट में बट रही है, बोल्शेविक और मेंशेविक्स। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। देखिए, रशियन लैंग्वेज में बोल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी, यानी जो बहुसंख्यक है, और मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी, यानी जो अल्पसंख्यक है, ठीक है। अब इस बोल्शेविक पार्टी को लीड करने वाला कौन था? लेनिन, जिनकी इमेज यहाँ लगी हुई है, आप देख भी रहे हो, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ लेनिन। देखिए, दिस ग्रुप वॉज लीड बाय व्लादिमिर लेनिन। इस ग्रुप को लीड करने वाला कौन था? लेनिन था, ठीक है। और वो क्या कहता है? लेनिन कहता है डिसिप्लिन एंड क्वालिटी ऑफ द मेम्बर्स की बात करता है, यानी इसको थोड़ा आराम से समझो, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी को लीड करने वाला लेनिन था, तो उसकी विचारधारा क्या थी? ही थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। क्या कहता है कि ऐसी किसी भी सोसाइटी में जो रिप्रेसिव है, जहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट है, जैसे रशिया में ज़ार का था, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे पार्टी अगर हो तो वो डिसिप्लिन्ड हो और उसमें क्वालिटी ऑफ मेंबर को ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी मेंबर्स के गुणों पर, उनकी योग्यताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेनिन बिलीव्ड दैट द पार्टी शुड हैव ओनली क्वालिटेटिव मेंबर्स एज ही थॉट दैट वर्कर्स शुड बी द फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। लेनिन क्या कहता है कि एक पार्टी में ऐसा नहीं हो कि कोई भी आ रहा है, हाँ चलो आओ पार्टी में शामिल हो गए। क्वालिटेटिव मेंबर्स होने चाहिए, गुणवान लोग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि वर्कर्स ही मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन है, वर्कर्स ही वो हैं जो रेवोल्यूशन लेके आएंगे। वो डिसएग्री था सोशल डेमोक्रेट्स का जो लॉजिक था कि सोशल रेवोल्यूशनरी जो होंगे, जो कि जो पीजेंट्स हैं रशिया में, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, इस बात से वो डिसएग्री था। वो कहता था कि अगर रेवोल्यूशन लेके कोई आएगा तो वो होंगे वर्कर्स, इसीलिए वो कैसे होने चाहिए? क्वालिटेटिव मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इन दिस वे लेनिन हैड डिफरेंट माइंडसेट ऑन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो लेनिन का व्यू अलग था। दूसरा स्प्लिट हमने कौन सा पढ़ा? मेंशेविक। दूसरा डिवीज़न है मेंशेविक, ठीक है। मेंशेविक को लाने वाले, ये जो पिक्चर है, ये इमेज है, ये जूलियस मार्ट्रॉफ की है, ठीक है। इसको लाने वाले थे जूलियस मार्ट्रॉफ, ठीक है। जूलियस मार्ट्रॉफ क्या कहते हैं? अनदर फ्रैक्शन ऑफ द पार्टी वॉज लीड बाई जूलियस मार्ट्रॉफ। दे बिलीव दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। क्लियर है आपको? ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट लेनिन। मार्ट्रॉव ने अपनी आवाज़ लेनिन के खिलाफ बुलंद की और उन्होंने क्या कहा? ही एंड हिज फॉलोअर थॉट दैट ऑल द पीजेंट्स आर वर्कर्स शुड बी इन्वॉल्व इन पार्टीज एंड दे शुड फॉलो द पैटर्न ऑफ जर्मनी। मार्ट्रॉव का कहना था कि जर्मनी में जैसे वर्कर्स और पीजेंट में कोई भेद नहीं था, वर्कर्स और पीजेंट एक साथ मिलकर के आए, एक पार्टी का फॉर्मेशन करें, तभी जाके रेवोल्यूशन आएगा। However,
इट हैड बीन गिवन इन योर बुक, आपकी बुक में दिया हुआ है, बट आई टॉट यू सो दैट यू कैन कोरिलेट द थिंग्स, ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट करके समझ पाओ, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। फिर है द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ड्यू टू डिफरेंट थाट्स ऑफ द लीडर्स, आपने देखा मार्टरोफ की थिंकिंग अलग है और लेनिन की अलग है, ठीक है, अलग अलग थिंकिंग है। इसके कारण क्या होता है, देयर वॉज डिस्पैरिटीज इन द पार्टीज एंड इन दिस वे हैविंग डिफरेंट ओपिनियन देयर वॉज कन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टी। अलग अलग ओपिनियन होने के कारण, अलग अलग विचारधारा होने के कारण पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। द पार्टी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट इन 1903 एंड टू ब्लॉक्स डेवलप्ड, बोल्शेविक लेड बाय लेनिन एंड मेंशेविक लेड बाय जूलियस मार्टरोफ। इस तरीके से जब क्लैश होता है विचारों का, है ना, मेंबर्स का पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो दो तरीके कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम होता है कि दो जो ब्लॉक होते हैं वो आते हैं, बोल्शेविक और मेंशेविक। ये क्या है ये मैंने आपको बता दिया। दस द पार्टी सिस्टम डेवलप इन रशिया एंड सपोर्ट फॉर सोशलिज्म इन रशिया हैज इंक्रीज्ड। इस तरीके से पार्टी सिस्टम रशिया में डेवलप करता है और सोशलिज्म गेट्स सपोर्टेड इन रशिया, उसका सपोर्ट उस जो है वो बढ़ जाता है, सोशलिज्म का सपोर्ट रशिया में बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आज आपको मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ आया होगा। मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ ताकि एक साथ आपको हॉचपॉच ना हो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट हाउ डिड द रेवोल्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1905 एंड व्हाट वाज इट्स बैकग्राउंड। अगले वीडियो में हम 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको भी हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। पहले उसका बैकग्राउंड समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उसका आउटबर्स्ट हुआ, यानी 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ फरवरी का, वो कैसे आया और उसमें क्या चीज़ें हुई, ये हम उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक बात मैं यहाँ और बता दूँ, दैट इन योर क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड द डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 1 से 3 मार्क्स का पूछता है, दैट व्हाट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक, और ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन बोल्शेविक और मेंशेविक। तो मेरे ख्याल से अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा। Going through this video, I think you will be able to give the answer of this question. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। Stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video and also click on the bell icon to get notification of my upcoming video. Till then, goodbye. Jai Hind.